यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डी ट्रिपल एस बी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 7 मार्च 2024, 7 मार्च 2024 को ये एडवर्टीजमेंट जो है आई है। दो एडवर्टीजमेंट एक्चुअली जारी हुए हैं, टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट है। इस वीडियो में टीचिंग पोस्ट को कवर कर लेंगे, नॉन टीचिंग के लिए एक और वीडियो बना देंगे। तो नया विज्ञापन है, आवेदन इसके लिए जो एप्लीकेशन है 19 मार्च से शुरू होने वाली है और 17 अप्रैल तक, जैसे आपने भी देखा होगा कि एक मंथ वन मंथ का टाइम देते हैं। अब इसमें क्या क्या टीचर की पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारी चीजें जो है हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, इसमें जो भी वैकेंसीज आती है ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई ना करें, एप्लीकेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें जो दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट आए हैं वो चेक कर लेते हैं। दोनों में टीचिंग नहीं है, एक तो एडवर्टीजमेंट नंबर 5 है और दूसरा एडवर्टीजमेंट है एडवर्टीजमेंट नंबर 6। तो दोनों में नॉन टीचिंग के ज्यादा पोस्ट है, टीचिंग के कम है। एडवर्टीजमेंट नंबर 5 में टीचिंग के कुछ पोस्ट है, तो जो टीचिंग वाले पोस्ट है वो कवर कर लेते हैं। 5 मार्च 2024 की डेट डली हुई है, 7 मार्च को वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024 DSSB गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगा और जो टीचिंग पोस्ट रहते हैं उनके लिए सिर्फ एक एग्जाम रहता है और कुछ भी नहीं रहता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कोई इंटरव्यू का स्ट्रेस नहीं रहता है। अब जो 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 इसमें मैंने क्या बताया आपको कि टीचिंग भी है पोस्ट, नॉन टीचिंग भी है, तो जो टीचिंग वाले पोस्ट है उनको मैं हाईलाइट कर दूंगी, बाकी जो नॉन टीचिंग है उनको बाद में देखेंगे, दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, सबसे पहले आपके सामने आ रहा है सीरियल नंबर 7 पे आप ध्यान देंगे, PGT इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस या कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज है और इसके लिए कुल मिला के 3 वैकेंसीज ही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए वैकेंसीज आपको टोटल 9 दिखाई दे रही है, कैटेगरी वाइज भी देख लेंगे। अगर जनरल में सीट नहीं रहेगी UR में तो फिर बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। PGT संस्कृत के लिए 3 वैकेंसीज है, PGT म्यूजिक के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है, PGT पेंटिंग के लिए 6 वैकेंसीज है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और भी वैकेंसीज है तो देख लेते हैं। लैब असिस्टेंट की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की देखा करें, इसमें साइंस ग्रेजुएट वगैरह अप्लाई कर पाते हैं। मेट्रॉन वगैरह की भी है, ये अलग से करेंगे, केयरटेकर मेट्रॉन की वैकेंसी है वो तो ठीक है। टीचिंग की और देखते हैं और कौन कौन से टीचिंग के पोस्ट हैं। टीचिंग के पोस्ट हैं TGT कंप्यूटर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर टीचर के लिए 55 वैकेंसी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए है एंड डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 145 वैकेंसीज है। तो डोमेस्टिक साइंस टीचर एंड कंप्यूटर साइंस TGT के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक है, बाकी सब में कम है काफी, एक एक दो दो ही है। इसके बाद जो है ना, तो इतने हैं टीचिंग के। तो टीचिंग के मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 4-5 सब्जेक्ट हैं और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 1 है और 1 जो है डोमेस्टिक साइंस टीचर है। अब कवर करेंगे एक एक करके सबके जो क्वालिफिकेशन है वो 17 अप्रैल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पे की है उनके लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया वो देखेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहली वैकेंसी है PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस या कंप्यूटर साइंस के लिए, इसमें पोस्ट कोड है 15/24 और इसमें UR में 3 वैकेंसीज है, ज्यादा वैकेंसीज ही नहीं, टोटल 3 ही वैकेंसीज है। BBT कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। MCA या MSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, मास्टर इन IT वाले अप्लाई कर सकते हैं। MSc मैथ्स एंड BSc कंप्यूटर साइंस या BCA वाले कर सकते हैं अप्लाई, या फिर BEd भी इसमें चाहिए रहेगा, या फिर MSc मैथ्स एंड BSc कंप्यूटर साइंस और BCA और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट है। मैथ्स वाले अगर पोस्ट ग्रेजुएट मैथ्स है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन PGDCA है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। DOEC से बी लेवल किया हुआ है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट BEd यहाँ पर मांग रहे हैं, तो ये चीज है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में BEd मांग रहे हैं। अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या वो देखेंगे, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है, एज में रिलैक्सेशन की जो है वो
कॉलम अलग से दी हुई होगी नीचे कि अपर एज लिमिट में कितनी रिलैक्सेशन है, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल में ही तो सीट है ना इसमें, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 32 इयर्स अपर एज लिमिट है। 47,600 की बेसिक पे रहेगा, दिल्ली में एचआरए ज्यादा है तो सैलरी 65,000 स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी बनेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए देखेंगे, टोटल आपने देखा 9 वैकेंसीज है जिसमें यूआर में 3 है, ओबीसी में 2, एसटी में 2, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, टोटल 9 वैकेंसीज हैं। मास्टर डिग्री अगर है, अब इसमें देखिए ये वाला जो है ना, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, और बीएड मांग रहे हैं, लेकिन बीएड जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज बीएड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस केस में? अगर आपने पीएचडी कर रखी है रिलेटेड सब्जेक्ट में, इंग्लिश में आपने पीएचडी किया हुआ है तो बीएड की जरूरत नहीं है। अगर आपने 12th में, ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन स्कोर किया हुआ है, मतलब 60% एंड अबव स्कोर किया हुआ है, तो भी बीएड की जरूरत नहीं है। आप बाद में बीएड 3 साल के अंदर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइनिंग से 3 साल के अंदर आपको बीएड करने का समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, तब आप बीएड कर सकते हैं। तो विदाउट बीएड भी जिनके थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो विदाउट बीएड अप्लाई कर सकते हैं। अब और भी कुछ है वो देख लेंगे बाद में। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 36 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है, 36 साल इसमें जो है ना ऊपरी आयु सीमा है। 47,600 बेसिक पे 65,000 सैलरी बनती है। इसी तरीके से पीजीटी संस्कृत की अगर आप बात करेंगे तो पीजीटी संस्कृत में टोटल 3 वैकेंसीज है जिसमें 1 अनरिजर्व्ड में, 1 एससी में एंड 1 ईडब्ल्यूएस में। मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, बीएड होना चाहिए, और सेम वही रहेगा कि अगर आपने पीएचडी किया हुआ है संस्कृत में तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है, रिलैक्स किया जाता है। या फिर आपने 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास स्कोर किया हुआ है तो विदाउट बीएड आप अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर आप बीएड की डिग्री ले सकते हैं। 36 इयर्स अपर एज लिमिट है, 18 to 36 इयर्स, ये जनरल कैंडिडेट के लिए 36 इयर्स अपर एज लिमिट है। एज में रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया सबसे लास्ट में हम चेक कर लेंगे। सैलरी सबके लिए वही है। पीजीटी म्यूजिक के लिए देखेंगे, पीजीटी म्यूजिक के लिए जो वैकेंसी है बहुत कम है, सिर्फ 1 सीट है ओबीसी के लिए, तो ये म्यूजिक वाले देख ले, 1 ही सीट है तो उसको क्या एक्सप्लेन करें, वो भी रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स है। पेंटिंग का ठीक है, 6 वैकेंसीज हैं जिसमें यूआर में भी कुछ वैकेंसी, 3 वैकेंसीज हैं। बैचलर इन फाइन आर्ट है या फिर हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी विद मिनिमम 5 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट ड्राइंग या पेंटिंग से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर बीएफए किया है बैचलर इन फाइन आर्ट तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं अगर ड्राइंग एंड पेंटिंग 1 सब्जेक्ट था उसमें, मिनिमम 4 ईयर्स डिप्लोमा किया हुआ है आपने तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट या ड्राइंग एंड पेंटिंग विद मिनिमम ऑफ 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 36 इयर्स अपर एज लिमिट है। अब इसके बाद डायरेक्ट जो है था ना, एक पोस्ट ही ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की और एक डोमेस्टिक साइंस, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए बीच में जो ना एक टीचिंग का तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी पोस्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या फिर ऑपरेशंस रिसर्च या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स भी है जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स है या कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट है, एम कॉम है आप, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में स्टैट्स पढ़ा हुआ है तो ये भी एक टीचिंग जैसा पोस्ट ही है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, तो ये भी अच्छी पोस्ट है। इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं और इसकी सैलरी कम है, 35,400, मतलब 50,000 तक सैलरी, 52,000 तक बनेगी। एज लिमिट 32 इयर्स अपर एज लिमिट है। इसके बाद टीचिंग के 2 पोस्ट और बच गए, एक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट बचा हुआ है और एक डोमेस्टिक साइंस का, वो चेक करेंगे। टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसमें यूआर में 38 अनरिजर्व्ड, मतलब जनरल में 38 सीट्स हैं, ओबीसी में 2, एससी में 2, एसटी में 8, ईडब्ल्यूएस में 5 एंड टोटल में 55 वैकेंसीज हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री बीसीए है तो अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं,
बी बी टेक कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं और डोएक से ए लेवल आपने किया हुआ है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया, बीएड वगैरह कुछ नहीं मांगा गया, सी टेट टेट कुछ भी नहीं मांगा गया। तो कंप्यूटर वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बीएड भी नहीं मांग रहे। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है, एज में रिलैक्सेशन जो ना एंड में हम देख लेंगे। 44,900 की बेसिक पे 62,000 स्टार्टिंग सैलरी बन जाएगी। और एक पोस्ट है डोमेस्टिक साइंस टीचर की, तो डोमेस्टिक साइंस मतलब होम साइंस, डोमेस्टिक साइंस एक सब्जेक्ट है उसकी बात करें। यूआर में 46 सीट्स हैं, ओबीसी में 37, एससी में 8, एसटी में 35, ईडब्ल्यूएस में 19, टोटल 145 सीट्स हैं। और ये बैचलर डिग्री ग्रेजुएट अगर आप हैं डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस से, एंड बीएड आपने किया हुआ डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। ओके, तो 44,900 की बेसिक पे है और 30 ईयर्स जो है ना अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये टीचिंग पोस्ट है, एज में रिलैक्सेशन देखिए। इनके लिए सबके लिए जो है ना सिर्फ एक एग्जाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और कोई भी इंटरव्यू नहीं है इसमें। इसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर, उनकी हो जाएगी शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एग्जाम क्रैक कीजिए और गवर्नमेंट टीचर्स, परमानेंट गवर्नमेंट टीचर आप बन सकते हैं। और भी जो वैकेंसीज आएंगे डिटेल्स कवर करेंगे, कुछ और चीजें भी इस वीडियो में हम देख लेते हैं, जैसे कि एज में रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया वगैरह। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज या एक्सपीरियंस अगर कहीं पर है तो उसके लिए कट ऑफ डेट जो है 17 अप्रैल 2024 रखा गया। 17 अप्रैल को कट ऑफ लेके आप एज कैलकुलेट करेंगे क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए। एप्लीकेशन फीस जो है ना ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जैसे कि ऑल फीमेल कैंडिडेट, सभी महिलाओं के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड एक सर्विसमैन के लिए फीस नहीं है। बाकी सभी कैंडिडेट जो जनरल यूआर में, मतलब यूआर मेल कैंडिडेट्स या ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपीज फीस रहने वाली है। अब इसमें जो है ना वन टीयर एग्जाम होता है, जो एक एग्जाम होता है कंप्यूटर, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये सब रहता है। एज में रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट जो है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी है तो 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स की छूट मिलती है मिनिमम। और अगर यहाँ पर आप कहेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें छूट नहीं है। अगर विडोज एंड डिवोर्स्ड वीमेन है या वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड है एंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए फिर एज में थोड़ी रिलैक्सेशन है, वो आप देख सकते हैं, वो भी ग्रुप सी पोस्ट के लिए केवल। बाकी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, पीडीएफ की लिंक आप चेक करना चाहेंगे डिटेल्स। तो